राजकीय महाविद्यालय ज्वाला जी के बोरो तलक महिला वर्ग ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालय बारो तलक प्रतियोगिता में कुल 8 पदक जीतकर राज्य भर में अपना लोहा मनवाया है और ओवरऑल विजेता का खिताब अपने नाम करवाया है। इस प्रतियोगिता में महाविद्यालय के छात्रा पूजा कुमारी, कोमल दीप्ति, प्रियंका और मनीषा ठाकुर ने अपने अपने बाहर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर कॉलेज का नाम भी रोशन किया। राजकीय महाविद्यालय ज्वालामुखी में वेटलिफ्टिंग महिला वर्ग ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालय वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता महिला वर्ग में कुल 8 पदक जीतकर राज्य भर में अपना लोहा मनवाया है और ओवरऑल ट्रॉफी भी अपने नाम की है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय वेटलिफ्टिंग महिला वर्ग का आयोजन राजकीय महाविद्यालय देहरी जिला कांगड़ा में 12 से 13 सितंबर तक किया गया था। इस प्रतियोगिता में महाविद्यालय की छात्रा पूजा कुमारी, कोमल दीप्ति, प्रियंका और मनीषा ठाकुर ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर कॉलेज का नाम रोशन किया है। तो शालू ने रजत पदक जीता है, वहीं प्रिया दीमान, आशा देवी व श्वेता शर्मा अपने अपने भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर पूरे प्रदेश में अपने कॉलेज का नाम रोशन किया है। प्रियंका और तनुजा शर्मा ने अपनी टीम के लिए भी अंक हासिल किए। महाविद्यालय पहुंचने पर महाविद्यालय प्रशासन ने उनका भव्य स्वागत किया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अजय सिंह बनियाल ने विजेता व सहायक आचार्य शारीरिक शिक्षा डॉक्टर पवन पटियाल ने उन्हें बधाई दी और महाविद्यालय विद्यालय महाविद्यालय के भारोत्तोलकों को मिला भारोत्तोलकों को सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमने भारोत्तोलन प्रतियोगिता में पदक जीता है और हम राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैंने भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है और मेरी राष्ट्रीय स्तर पर सेलेक्शन हो गई है।